ओके बॉयज एंड गर्ल्स एंड वी आर बैक वंस अगेन विद अनदर वीडियो। तो यार आज इसकी वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें बनाने वाले हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने जो भाई एक फजूल सा फ्यूल पंप बनाया है जो कि बिल्कुल वर्क नहीं करता। लेकिन उससे पहले भाई YouTube ने मुझे बताया है कि भाई 83% ऑलमोस्ट 84% ऑफ यू आर नॉट सब्सक्राइब, सो प्लीज सब्सक्राइब द सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो एल फ्यूल पंप बनाया है, यप देयर इट इज ब्रदर, ये वर्क नहीं करता। मैंने ट्यूटोरियल देखा है एंड आई स्पेंड आवर्स बिल्डिंग दिस, लेकिन जब ये चलता है लाइक पिस्टन इसके चलते हैं तो वो ऊपर वाला वाटर ब्लॉक तोड़ देते हैं, सो हमारा बनता ही नहीं। सो अब इसको हम इसको ब्रेक करते हैं एंड विद द पावर ऑफ एडिटिंग इन 3, 2, 1 यप देयर इट इज़, वी हैव ब्रोकन एवरीथिंग। एंड मैंने इसके ऊपर से भी अपना तोड़ दिया था, जो हमारा कोबलस्टोन फार्म काइंड था ना, वो उसके ऊपर से साफ कर दिया मैंने। सो अब नेक्स्ट हम लोग सोच रहे हैं एक फ्यूल फार्म भी बनाते हैं इस जगह पे। सो लेट जस्ट स्टार्ट। ओके सो वी आर डन विद द बेस। अब मैंने इस पे कॉपर थोड़ा यूज़ किया क्योंकि ब्रदर इसके अलावा इसका कोई यूज़ ही नहीं है। एंड हमने यहाँ पे बिल्ड किया, ये चीज़ अच्छी सी चीज़ बनाई है, मैं आई गेस के थोड़ा सा डेकोरेटिव टाइप डाल रहा हूँ मैं। एंड वी आफ्टर आवर्स वी हैव फाइनली डन इट। ऐसा हमारा फार्म लगता है, मैं आपको बोन मील लगा के दिखा देता हूँ। एक गिलास है ना मेरे पास, सो मैं ये सेंटर वाला तोड़ सकता हूँ एंड दिस एंड यप वन। ओके सो अब जैसे ही ऑब्जर्वर के पास ये राइट वाला जाएगा बैम्बू, इट शुड ब्रेक एवरीथिंग और एवरीथिंग विल बी इन माय चेस्ट एंड देयर इट इज़, वी हैव आवर अनलिमिटेड फ्यूल फार्म। एंड नाउ ब्रदर मैं अपने विलेजेस के लिए कुछ बना रहा हूँ, बिकॉज भाई मेरे गायब हो रहे हैं विलेजेस, आई डोंट नो कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो नेदर में चले जाते हैं, कुछ कहीं कुछ कहीं। सो अब हम एक विलेजेस के लिए हाउस बनाएंगे एंड मेरे माइंड में एक और बड़ा सा प्लान है लाइक बहुत ओपी जो कि मैं इसको साथ बनाऊंगा। तो हम इस जगह पे विलेजर का फार्म बनाएंगे एंड देयर इज आवर आउटलाइन, इससे मैं वो नदर से थोड़ी सी लेके आया था ना वुड, वो बनाऊंगा। एंड सामने के जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा माइन है, तो वो हमारी माइंस भी हमारी विलेजर फार्म के अंदर आ जाएंगी एंड ब्रदर इट्स गोइंग टू लुक ओपी। एंड देर यू गो, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम ब्रदर हमने बना लिया है। थोड़ी सी मैं वही लाइक लाइट्स लेके आया हूँ नेदर से। अब यहाँ पे एक वूल वो लगा देते हैं, लूम आई डोंट नो वूल चूल क्या कहते हैं उसको। सो मैंने बटन वहाँ पे लगाया है ताकि विलेजेस भाग ना सकें। अब सिर्फ एक ईजी काम करना है, विलेजेस लाना। एंड ब्रदर ये बहुत ईजी है, बस इनके वर्क स्टेशन तोड़ते जाओ और नया वर्क स्टेशन लगाते जाओ, तो खुद भागते भागते आ जाते हैं। एज यू कैन सी हम दो विलेजेस तो ले आए हूँ, अब लेट जस्ट ब्रिंग वन मोर, यप देयर इट इज, एक और विलेजर, यप तीन। अब मैं इनको ब्रीड करा के तो और बना सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऑफ कैमरा वर्क कर रहा था एंड मैंने अपने माइंस में ना रेल्स लगाई थी ऊपर नीचे जाने के लिए एंड यप फॉर शेडोइंग दिस शिट डिड नॉट वर्क, ना ये मुझे नीचे लेके जाती है ना ये मुझे ऊपर लेके आती है, एज यू कैन सी मुझे नीचे फेंक देती है बॉयज। सो बेस्ट थिंग ये है कि भाई हम लोग यहाँ पे ना स्टेयर्स लगा दें, क्योंकि स्टेयर्स एक तो नीचे भी हम जल्दी आ सकते हैं एंड देन हम तो ऊपर भी जल्दी जा सकते हैं। एज यू गाइस कैन सी इट इज़ अ लॉट फास्टर, यप यप देखा। अब रेल का मैं बाद में कुछ कर दूंगा बिकॉज भाई दिमाग ख़राब हो रहा मेरा अभी बहुत टाइम, दो दिन की वीडियो तो अभी हो चुकी है। एंड देन हम लोगों को एक विलेजर का बनाना था मेंडिंग शेंडिंग लेने के लिए एंड लुक व्हाट आई फाउंड, ये आई गेस 1.20 की कोई अपडेट वगैरह है या क्या, लेकिन मैंने पहली दफ़ा ये देखा है इस तरह का लाइक नेदर पोर्टल एंड इट हैड ट्रैश लूट। और हमने एक फ्रेंड भी रास्ते में बना लिया या वन एक बोन के साथ, लवली। एंड वी हैव फाइनली एवरी थिंग इन आवर चेस्ट, जिससे हम एक विलेजर को जॉम्बी बनाएंगे, उसको क्योर करेंगे एंड देन उससे हम माल लेंगे, दैट इज़ द ईजी वे आई गेस। और मेरे पास एक लाइब्रेरियन का मेथड है जिससे हम अनलिमिटेड एमरल्ड ले सकते हैं। सो लेट जस्ट सी कि भाई कैसे बनता है। अब रात हो रही थी तो मैंने कहा चलो एक विलेजर को नीचे ले जाते हैं बिकॉज बाकी सारे सो रहे हैं, तंग नहीं करेंगे। तो मैंने एक विलेजर को बोट में बिठाया एंड ये मैं अपनी माइंस वाली तरफ ले गया एंड आई एम जस्ट डम, मैंने जगह नहीं क्लियर की, वी हैव टू डू दिस एंड ये ब्लॉक भी, यप एंड मुझे उसको यहाँ पे नीचे ले के आना है, यहाँ पे
सो लेट जस्ट ब्रिंग हिम हियर एंड द देयर इट इज। अब यहाँ पे मैंने ये थोड़ी जगह सी क्लियर की थी, क्योंकि जब मैं स्टोन वगैरह लेता था ना तो मैं इधर से ही तोड़ता था। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग बनाएंगे वो विलेजर वाला। सो पहले तो मैं ये बंद कर दूँ ताकि कोई विलेजर नीचे ना जा सके, क्योंकि भाई नीचे हम लोग बहुत ही लाइक अजीबोगरीब चीज़ें करने वाले हैं। And there is a montage of building the thing. अब villager, भाई the most shit thing is कि भाई villager को यहाँ पे लाना, भाई वो बंदा सुनता ही नहीं है, कभी कहीं भाग जाता है, कभी कहीं भाग जाता है। But after like 30 minutes of playing with him, हम finally उसको अंदर लेके आ गए हैं। अब उसके बाद हमें एक zombie चाहिए उसको villager को, of course zombie villager बनाने में। And that was easy भाई, मैंने पानी डाल दिया जिससे वो अटक गया था बीच में। And yep, there it is। अब villager को ऊपर कर लेते ताकि के मरे नहीं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको एक नाम दे देते हैं हमारा जो ज़ॉम्बी है, क्योंकि मुझे एक मिला था। सो यप, यू गाइस आल्सो डू दिस प्लीज सब्सक्राइब नाम, एंड देन वी हैव टू क्लोज इट। एंड अपने अभी हम अपने ज़ॉम्बी विलेजर को ज़ॉम्बी बनाते हैं। देयर यू गो, वी हैव इट। अब ये लेवर करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, अब उसको ज़ॉम्बी पीछे नहीं छेड़ेगा। अब हम लोगों ने इसको सिर्फ क्योर कर रहे हैं, आई गेस इसको पोशन ऑफ वीकनेस फेंकते हैं। एक्सक्यूज मी, फेंक ले ट्रैप डोर पे, नहीं भाई इस पे। यप नाइस। एंड देन आई गेस हम इसको गोल्डन एप्पल खिलाते हैं। एंड हो जा, क्लिक ही नहीं हो रहा ब्रदर, हो जा भाई। ओके होली शिट ब्रदर, बहुत आवाज है। अब आई गेस हमें वेट करना पड़ेगा बहुत सारा। एंड फाइनली आफ्टर 5 मिनट्स हमारा एक दफ़ा का वो क्योर हो चुका है। एंड इट इज़ गिविंग मी 3 emerald and look at the discount brother, looting 3 मुझे दे रहा है इतने में। लेकिन हमें अभी नहीं चाहिए, हमें अभी एक दफ़ा और इसको zombie बनाना है, एक दफ़ा और क्योर करना है। यू कैन सी नाउ ये हमें एक पे दे रहा है, एक emerald पे एक बुक शेल्फ दे रहा है। सो अब हम इसको बुक शेल्फ इससे बाय करेंगे, एंड जब ये अपने लेवल 2 पे जाएगा तब ये हमें एक बुक के बदले में एक emerald देगा। सो दिस इज़ अ गुड चॉइस, क्योंकि हम इसको एक emerald दे के 3 book ले रहे हैं, एंड देन हम 3 इसको book देंगे। एंड आई एम जस्ट डम ब्रदर, एक बुक का 3 emerald यार। अब मैं मैथ में थोड़ा फारग हूँ। एज यू कैन सी 30, ये देखना नीचे, ऊपर हमें एक emerald के बदले में 3 books मिल रही हैं, नीचे हमें एक बुक के बदले में एक emerald। ब्रदर ये बहुत ओपी चीज़ है, एंड इट्स एन अनलिमिटेड नेदर फॉर्ड। अब मैं बना रहा था तो भाई एवरीथिंग जस्ट एफ्ड अप, मेरा zombie सामने आ गया, मेरा villager वहाँ से भाग गया। यप, एंड देन जब ये सारा कांड ख़त्म हो चुका, मेरा डॉग ने जाके विलेजर को मार दिया। एंड आई डोंट नो ऊपर किधर से आवाज़ आ रही है, ये भी मेरा ज़ॉम्बी बना पड़ा है ब्रदर। आई एम जस्ट डम ब्रदर, आई डोंट नो व्हाट। लेकिन मैंने कुछ करके उसको फिक्स कर दिया था, एंड देन आई वाज आफ्टर एफिशिएंसी लिटरली लाइक 40-50 minutes आफ्टर मुझे ये एफिशिएंसी 3 की बुक मिली है, और उसको मैं जानने नहीं देना चाहता था, तो इसीलिए मैंने फटोफट इससे एफिशिएंसी की 2 books बाय कर ली, जिससे हम एफिशिएंसी 4 बना सकते हैं। देन मैंने और बाई की जिससे हम एफिशिएंसी 5 बना सकते हैं। एंड 5 के बाद हम लोगों ने भाई अपनी पिकैक्स को बहुत ओपी कर लिया, क्योंकि एक मुझे विलेजर दे रहा था मेंडिंग, एक दे रहा था सिल टच, एंड एफिशिएंसी 5 वाला ऊपर विलेजर। एंड वी हैड स्ट्रेट टू माइनिंग, एंड भाई माइनिंग के लाइक पहले मिनट के अंदर ही लुक एट व्हाट आई फाउंड, एक फैट वेन ऑफ डायमंड ब्रदर। आई गेस 9 diamonds थे, और क्योंकि मेरे पास सिल्क टच थी तो ये हम सिल्क टच से पूरी और निकाल रहे थे। एंड वी गॉट सम मोर डायमंड्स। अब इससे ये होगा कि मुझे एक ज़ॉम्बी विलेजर जो मैंने बनाया था ना, ओके दिस वाज इंटरेस्टिंग। मैंने सोचा कि भाई मैं इससे एक हेड ले सकता हूँ क्रीपर का, तो लेकिन ये मेरा टाइमिंग सही नहीं रही। लेकिन हम अपने पास थे विलेज के, सो देर वॉज नथिंग, मैं अपना सामान लेके आ गया था, एंड वी हैव फाइनली डन इट। अब हमने जो कुछ हम सामान लेके आए थे हम लोग उसको लगाएंगे सामने दीवारों पे, एंड देन लेट्स सी फॉर्च्यून 3 के साथ वो हमें कितना देता है। आई गेस हमारा 30 something हम लेके आए थे डायमंड ओर, एंड लेट जस्ट सी कि भाई 30 ओर का हमें कितना मिलता है। एंड वी हैव आवर फॉर्च्यून 3 पिकैक्स हियर, लेट्स सी। वेट, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि पता ना चले। लेट्स सी गेस, यप 1 stack and 23 ब्रदर, ओपी ब्रदर। वी गॉट 1 stack and 23 फ्रॉम लाइक 32 diamonds। अब मैंने इसका सारे डायमंड आर्मर बनाया, अपना वुड आर्मर बना, ओ सॉरी
एक एक्स बनाई एंड अब यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ अपनी सामान एक उसके लिए लाइब्रेरी के लिए एंड या ब्रदर आई यू गाइस नो हम स्पीडो में काम करते हैं सो वी हैव डन इट। अब इसी के राइट पे हम लोग एक बनाएंगे अपना वो चेस्ट अपना स्टोरेज एरिया। सो उसके लिए हमें बहुत सारी वुड चाहिए, वी हैव डन इट। अब स्किप करके आपको दिखा रहा हूँ, सोचो कि मैं क्रिएटिव जा रहा हूँ लेकिन ना ब्रदर, दिस शिट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ओह माय गॉड टाइम। अब मैंने यहाँ पे एक लाइक स्टोरेज एरिया टाइप बना दिया है, कुछ फर्नेसेस लगाए हैं, ये मेरी माइन के अंदर, ऐसा नीचे जाओ माइन, ऊपर जाओ तो हमारा विलेजर फार्म। एंड ओके बॉयज एंड गर्ल्स, सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम वीडियो में भाई बहुत सारा काम किया है एंड नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में भी हम बहुत काम करेंगे। टिल देन पीस आउट।